Hello friends, so today in this lecture we are going to discuss regarding the interrogative sentences, simple interrogative of past continuous tense. Past continuous only interrogative मतलब वो वाले प्रश्नवाचक sentences जिनका आंसर जड़ा है वो yes या no दे विच हो सकता है. इट इज वेरी सिंपल. इस तरह तो पहले दसिया कि कोई भी टेंस अस कर रहे हैं जो उसकी सिंपल इंटरोगेटिव मतलब जिसका उत्तर हाँ या ना दे हो सकता है तो उसका जोड़ा भी हेल्पिंग वर्ब है कंसर्न कैटेगरी का जिस तरह इस केस वाजवा है प्रेजेंट कंटीन्यूस मार सी ठीक है और फ्यूचर कंटीन्यूस निर्दिशक भी होगा ठीक है तो वह जो है वह सारे तो अभी अगे लै आना स्टार्टिंग शुरू के ठीक है तो रूल की है पास्ट कंटीन्यूअस दे सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस का सब तो पहले असी वाज जा वर्ब जेड़ा भी एप्लीकेबल है इन विचों उस तो बाद सब्जेक्ट उस तो बाद वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल आईएनजी ते उस तो बाद ऑब्जेक्ट राइट. इट इज वेरी सिंपल. सो लेट्स डिस्कस द वेरी फर्स्ट सेंटेंस कि की माली पौधों नु पानी दे रहा सी. की माली पौधों नु पानी दे रहा सी इहदा उत्तर जिहड़ा हैगा हाँ या ना दे विच हो सकता है यस और नो तो इन उसी सिंपल इंटरवेटिव कह लिया. दूसरा इंटरवेटिव वाई वाला दैट रिक्वायर सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन वो उसी बाद में डिस्कस करांगे. ता की माली पौधे ने पानी दे रहा सी और रहा तो सानू ये पता लगता है कि कंटीन्यूअस है. सी तो पता लगता है कि ये पास्ट है और की माली पौधे ने पानी दे रहा सी ता क्रिया पानी देने की हो रही है. कौन दे रहा है माली और माली जिहड़ा हैगा है वो एक वचन है और थर्ड पर्सन है मतलब आई वी यू. आई ते वी फर्स्ट पर्सन दे विच आउंदे हैगे ने. यू जिहड़ा है वो कल्ला सैकंड पर्सन दा मतलब कल्ला यू मतलब आई वी यू नूं छड्ड के अगर जिहड़ा भी सब्जेक्ट बनता है जो भी है चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है वो थर्ड पर्सन दे विच कंसीडर कीता जांदा है ठीक है. और अगर वो सिंगुलर हो आई वी यू जिस तरह माली है माली के वास्ते अगर असी प्रोनाउन यूज करेंगे तो प्रोनाउन के वास्ते यूज करेंगे की जिवें असी कहीए कि राम साडे स्कूल का माली है वो एक बहुत अच्छा इंसान है जिहड़ा असी वो वरत रहे हैं वो मतलब माली वास्ते वरत रहे हैं या असी कहते हैं कि राम साडे स्कूल का माली है वो बहुत अच्छा इंसान है वो प्रोनाउन है ता ही शी मतलब आई वी यू नु छड़ के जो भी साडा सब्जेक्ट जो भी है वो थर्ड पर्सन है अगर वो सिंगुलर है मतलब वो ही शीट दे विच आ गया माली है इहदा मतलब कि सिंगुलर है ठीक है ता इहदा मतलब सब्जेक्ट माली हो गया ठीक है. अगर यही सेंटेंस असी अगर पढ़ते हैं कि की माली पौद्यां नु पानी दे रहे सी सपोज की माली पौद्यां नु पानी दे रहे सी ता हैगा थर्ड पर्सन ही है लेकिन वो बहुवचन हो गया ता एदे विच की हैगा है क्योंकि माली एक वचन है इत्थे असी स्टार्ट दे विच असी नु वाज दे नाल शुरू कीता है वाज उस तो बाद सब्जेक्ट सब्जेक्ट की है माली वाज दा गार्डनर फर्स्ट पर्सन सॉरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उहदे नाल आई एन जी पानी देना वाज दा गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स सॉरी साइड ऑफ इंटरवेशन sign of interrogation मतलब प्रश्न वाचक जितने भी है ने असि sign of interrogation लगाना ही लगाना है. तो इसे सेंटेंस को अगर असि थोड़ा खोल के डिस्कस करिए लिखने तो बिना सपोज ये सेंटेंस ये है कि की माली पौधों को पानी दे रहे सन का मतलब माली एक तो ज्यादा ने मतलब दो ने या तीन ने या चार ने जिन्हें भी ने मतलब एक तो ज्यादा ने ठीक है. तो अगर ये सेंटेंस होता कि माली पौधों को पानी दे रहे सन फिर असी वर यूज करांगे फिर इतने वर लगना सी फिर इतने आना सी वर द गार्डनर गार्डनर एक वचन है फिर इतने गार्डनर्स लिखना सी बाकी सारा सेंटेंस होने का सी फिर करना सी वर द गार्डनर्स वाटरिंग प्लांट्स. अंडरस्टैंड नाउ लेट्स कम टू द सेकंड सेंटेंस. की डॉक्टर रोगी का इलाज कर रहा है इतने भी डॉक्टर है
खुद ही शीट वाली कैटेगरी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, फिर हम सिर्फ वाज यूज कराएंगे। सबसे पहला वाज लगेगा, वाज, उसके बाद सब्जेक्ट डॉक्टर है, वाज द डॉक्टर ट्रीटिंग द पेशेंट, वाज सब्जेक्ट द डॉक्टर फर्स्ट फॉर्म ट्रीट इलाज करना ट्रीटिंग द पेशेंट। ਇਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾਊਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਵਾਜ਼ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਗਿਵਿੰਗ ਹਿਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਕੁਅਲੀ ਰਾਈਟ। ਨੰਬਰ 10, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵਰ, ਵਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਰੀਪਿੰਗ, ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰੀਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੀਪਿੰਗ ਦੇਅਰ ਕ੍ਰੌਪਸ, ਦੇਅਰ ਮਤਲਬ ਟੀ ਐਚ ਈ ਆਈ ਆਰ ਵਾਲਾ ਦੇਅਰ, ਟੀ ਐਚ ਈ ਆਰ ਈ ਵਾਲਾ ਦੇਅਰ ਬਈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦੀਅਰ ਕ੍ਰੌਪਸ। ਹਾਰਵੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹਾਰਵੈਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਬ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਊਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਵਰਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਊਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ, ਆਈ ਨੀਡ ਏ ਗਲਾਸ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਇਹ ਨਾਊਨ ਹੈ। ਗਾਰਡਨਰ ਵਾਟਰਸ ਦਾ ਪਲਾਂਟਸ, ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਵਰਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹਾਰਵੈਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਊਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਈਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਵਿਲ ਹੈਵ ਏ ਗੁੱਡ ਹਾਰਵੈਸਟ, ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਈਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਵਿਲ ਹੈਵ ਏ ਗੁੱਡ ਹਾਰਵੈਸਟ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਊਨ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਦੈਨ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗੇਨ ਕੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਵਾਜ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਵਾਜ ਹੀ ਡੂਇੰਗ ਹਿਸ ਹੋਮਵਰਕ, ਵਾਜ ਵਾਜ ਸਬਜੈਕਟ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡੂਇੰਗ ਹਿਸ ਹੋਮਵਰਕ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਹਿਸ ਹੋਮਵਰਕ।